अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे चैनल पर गिव अवे स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी लोगों का सवाल था कि गिव अवे चलेगा कब से कब तक के, तो बता दूं मंडे से मंडे तक के चलेगा और मंडे को रिज़ल्ट निकलेगा। और नियम और शर्तें आप सबको पता होंगी कि सबसे पहले कि मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए है, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और इस वीक की सारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपकी तरफ से सब्सक्राइबर मिलेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी, वो है मोमोज़ बनाने की। अब आप सोच रहे होंगे मोमोज़ और स्पेशल, क्योंकि मोमोज़ तो ज़्यादातर लोगों को आते, तो बिल्कुल नहीं, मोमोज़ इतने अच्छे बनेंगे कि मेरा वादा है आप जब इस तरह से मोमोज़ बनाएंगी तो मोमोज़ से ही दो तीन रोटियाँ भी खा जाएंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने लिखा है चिकन, ये 250 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसे डालेंगे भगोने में, पानी में पहले इसे डाल चुकी हूँ आप देख सकती हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने से ये होगा जो चिकन में फीकापन रह जाता है वो नहीं रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चिकन का। तो चलिए इसे चढ़ा देते हैं गैस पर और गैस को ऑन करेंगे और चिकन को अच्छे से पका लेंगे। देखिए चिकन पकना शुरू हो गया है, चिकन पक रहा है। तो हम इधर हम ले लेंगे प्याले में 2 कप गेहूँ का आटा, बहुत ही हेल्दी मोमोज़ बनेंगे। अब अगर आप मैदे से बनाना चाहती हैं तो मैदे से बनाइए, लेकिन आप सबको पता है कि मैदा कितना नुकसान करता है और रमज़ान में तो मैदे की चीज़ से दूर ही रहना चाहिए ज़्यादातर तो। लेकिन हाँ, कभी कभी मैक्रोनी पास्ता ऐसा चल जाता है। तो लिया मैंने 2 कप गेहूँ का आटा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच से कम डाला है मैंने इसमें, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें तेल। अब हम इसे पानी डालते हुए गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। देखिए इसका जो डो है वो हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है। देखिए इतना टाइट रखना है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे, बाकी की तैयारी कर लेते हैं जब तक के। देखिए ये सब्जियों को मैंने काट लिया, इसमें मैंने ली है गाजर, ये 2 गाजरें थी, शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बारीक काट लिया, ये 1 प्याज थी और ये बंद गोभी यानी कि करम कल्ला। देखिए चिकन बॉईल हो चुका है अच्छे से, तब इसका पानी हम निकाल लेते हैं। चिकन को चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से पक गया है। ये देखिए अब इसकी मिर्ची हटा लेंगे, अलग कर लेंगे, क्योंकि मिर्चों का टेस्ट जो है वो चिकन में आ चुका है। अभी ये बहुत ज़्यादा जल रहा है तो इसे ठंडा कर लेते हैं पहले। अब देखिए इसके रेशे अलग कर लेंगे, मैं अगली वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ आपको, जो वीडियो अभी मेरी आई थी नहीं, तो इस तरह से कर लेंगे इसे अलग। देखिए ये हो गए हैं, अब गैस पे चढ़ा लेंगे हम एक बर्तन, मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। अब देखिए बस इसमें ज़्यादा नहीं, बस 1 छोटा चम्मच हमें तेल का डालना है। अब इसमें डाल देंगे सब्जियाँ जो हमने काट के रखी थी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज। और एक बात आपको बता रहे, जो बहुत ज़रूरी बात है, इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हाई रखना है, लो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना सब्जियां जो है वो पानी छोड़ने लगेंगी। और इसी टाइम पे डाल देंगे इसमें चिकन, चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर कहूँगी गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। आधा चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर और इसमें डाल देंगे मेयोनीज, लगभग 2 छोटे चम्मच डाली है मैंने, और 2 चम्मच ही डाल देंगे शेजवान चटनी। और इसे मिक्स करेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी करिएगा, वैसे लगेगी नहीं। बिल्कुल लास्ट में डाल देंगे इसमें नमक
आधा चम्मच डाला है मैंने, और जल्दी से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को अभी भी मैंने हाई रखा है। देखिए बहुत ही चटपटा सा तैयार है। अब गैस को ऑफ करेंगे। देखिए इसे कढ़ाई में मत रहने दीजिएगा, इसे फौरन ही एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने निकाल लिया इसे प्लेट में एक। देखिए इधर आटा अच्छे से सेट हो चुका है, तो हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ज़्यादा बड़ी मत रखिएगा। सीधी छोटी छोटी बनाई है मैंने। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, देखिए कुछ को अभी बना लिया, कुछ को बाद में बना लेंगे। अब हम लेंगे ले लेंगे बेलन पटरा और उसे बेल लेंगे। जिस तरह से पूरी हम बेलते हैं इसी तरह से बेलेंगे। अब इसमें बीच में डालेंगे। अब देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है कि इस तरह से प्लेटें बनाती जाइए। और फिर हाथों से थोड़ा सा इस तरह से करिएगा। और जो ऊपर का एक्स्ट्रा है हम हटा लेंगे और इसको एक शेप में ले आएंगे। देखिए बगैर खुश्की के नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा ऑयल इस पर लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बिल जाता है। खुश्की की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए कितनी आसानी से बिल रहा है। अब इसमें थोड़ा सा भर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे इसको। देखिए सारे बना लिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अभी थोड़ा सा बच गया है, तो अब बताते हैं कि इसका क्या करना है आपको। सबसे पहले पैन में ले लेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल के। अब इसे ऑयल में डाल देंगे ये मोमोज। आप देखिए इसे स्टीम भी कर सकती हैं, लेकिन फ्राई करके जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। जब ये एक तरफ से हो जाए तो इसे पलट लीजिएगा, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं ये। ये देखिए इसे निकाल लेंगे। देखिए ये हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। ये देखिए सारे हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब चाहे आप इसे ऐसे ही खाइए, एक हेल्दी मोमोस और साथ ही साथ ये टेस्टी भी हैं। अभी जो तेल बच गया है इसको कम कर लेंगे। बस मैंने इसमें छोड़ा है 1 छोटा चम्मच तेल का। अब तेल देखिए पहले ही से गर्म था, तो जो सब्ज़ी हमने बचा के रखी थी वो इसमें डालेंगे। थोड़ी थोड़ी हमने उसमें से रोक ली थी, तो सारी सब्ज़ी ऐसी में जाएंगी। और ये जो बच गई थी ये भी इसी में डाल देंगे। सब्जियों को थोड़ी देर पकाएंगे, बस 2-3 मिनट। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। रेड चिली सॉस डालेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे सॉस, टमाटो सॉस यानी के। चलिए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। देखिए 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर और बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। एक प्याली में लेंगे देखिए थोड़ा सा पानी। अब इस पानी में डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। देखिए 2 चम्मच डाल दिया मैंने, इसे अच्छे से मिला लेंगे।
अब इसे डाल देंगे सब्जियों में। गैस की फ्लेम को इस टाइम पे लो रखेंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए इसे पकाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो अभी हम इसे ग्रेवी वाला बनाना है, तो इसमें पानी बढ़ाएंगे। अब देखिए आप जिस हिसाब से इसको रखना चाहती उतना रखिए, मैं थोड़ा सा पानी और बढ़ा दे रही हूँ। ये देखिए बस इसमें डाल देंगे ये मोमोज। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये। देखिए सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ी थोड़ी स्पून से उठाएंगे इसे और मोमोज के ऊपर डाल देंगे, या तो इसे पलट लीजिएगा, दोनों में से आप कुछ भी कर सकती हैं। चाहे तो डाल दीजिए चाहे पलट लीजिए। ये देखिए बस 2 से 3 मिनट इसे ढककर पकाएंगे और फिर ये तैयार है। लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। चलिए देखिए तैयार है ये मोमोस। बहुत ही ज़्यादा चटपटे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिना शेजवान चटनी के भी आप खा सकती हैं इसे। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए तैयार है हमारे मोमोज़। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।